बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं समझौता वाकिए की, जो इस तरह है। कुफार की चालें मुसलमानों को आराम व इत्मीनान से न बैठने देती थी। सिर्फ मसीही मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि यहूदी सबसे ज़्यादा तकलीफें पहुँचा रहे थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश और कोशिश की थी, लेकिन वक्त पर आपको इसकी इत्तिला हो गई और आप उनके फंदे से निकल आए। दूसरी तरफ मुसलमानों पर जितनी सख्तियाँ हो रही थी, वे उतने ही पक्के होते जा रहे थे और उनका दायरा बढ़ता जाता था, क्योंकि अब मुसलमानों की ताकत बराबर बढ़ती जाती थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्स के उन मुहाजिरों को, जो इस्लाम के शुरू में हफ्स को हिजरत कर गए थे, बुलाना चाहा। आपने अम्र बिन उमैया को हफ्सा जाने और मुहाजिरों को अपने साथ लाने का हुक्म दिया। हजरत अम्र तैयार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वह साहे हफ्सा के नाम एक खत लिखें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु झल्लीदार कागज कलम और दवात लेकर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखवाना शुरू किया। खत में जहां इस्लाम की भरपूर दावत पेश की गई थी, वहीं मुहाजिर मुसलमानों को पनाह देने पर बादशाह हफ्स नजाशी का शुक्रिया अदा किया गया था। खत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगवाई और हजरत अम्र को रवाना कर दिया। हजरत अम्र के रवाना होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सपने में देखा कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु के साथ खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं। 5 साल हिजरत को गुजर चुके थे। इस बीच किसी मुसलमान को भी मक्के में जाने और खाना काबा का तवाफ करने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन हरम की जियारत की आरजू सबको थी। इस ख्वाब ने तवाफ काबा की तहरीक पैदा कर दी। आपने उमरे का इरादा कर लिया और सहाबा को मक्का चलने की तैयारी का हुक्म दे दिया। यह फरमान सुनकर मुसलमान बहुत खुश हुए। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। जब तैयारियां पूरी हो गईं तो जिकाता के महीने सन 6 हिजरी में 1400 सहाबा किराम के साथ आप मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में अहराम बांध लिया था और कुर्बानी के 70 ऊँटों को काफिले वालों के आगे रवाना कर दिया था, ताकि देखने वाले दूर ही से समझ ले कि मुसलमान लड़ने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। यह शानदार काफिला बड़ी शान व शौकत के साथ रवाना हुआ। मुशरिक इस काफिले को देखकर डर गए और उन्होंने अपने आप ही यह समझ लिया कि मुसलमान मक्का में कुरैश वालों से लड़ने के लिए आ रहे हैं। यह खबर बिजली की तरह तमाम इलाकों में फैल गई। इस खबर से मक्के वालों में बड़ी बेचैनी फैली और उन्होंने फौज जमा करनी शुरू कर दी। जब मुसलमानों को यह काफिला जुल हुलेफा पहुंचा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुजा कबीले के एक आदमी को एहतियात के तौर पर जासूस की हैसियत से कुरैश के इरादों की खबर मालूम करने के लिए मक्का रवाना किया और धीरे धीरे सफर जारी रखा। जब आप अस्फान पहुंचे, तो खुजाई जासूस मक्के से वापस आया। उसने बताया कि कुरैश मक्का और दूसरे मुशरिक यह समझ रहे हैं कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने लड़ाई के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगरचे हम लोग सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने की नीयत से नहीं आए, लेकिन अगर कोई खानदान या कबीला या कोई कौम हमारे और बैतुल्लाह शरीफ के बीच रुकावट बनना चाहे, तो हमको उसका मुकाबला करना चाहिए। बेशक अगर ऐसा हुआ तो हमको फौरन अहराम खोलकर लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा, दुनिया में किसी आदमी को काबे की जियारत से रोकने का किसी को भी हक नहीं। हजरत अली ने कहा, अगर कुरैश ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दूसरे तमाम सहाबियों ने भी यही राय दी। आपने काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। जब आप मक्का के करीब पहुंचे, तो मालूम हुआ कि खालिद बिन वलीद सवारों का एक दस्ता लेकर कुरआनुन नईम पर मुकाबले के लिए आ गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता छोड़ दिया और दाहिनी तरफ कतराकर सफ़र शुरू कर दिया। मतलब यह था कि कुफार इस काफिले की हरकत से खबरदार न हो सके। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मुसलमानों का यह काफिला अचानक कुरआनुन नईम पर जा पहुँचा। खालिद बिन वलीद मुसलमानों के यकायक आ जाने से घबरा गए। वह अपने सवारों के साथ बड़ी बदहवासी से भागे और सीधे मक्के में जाकर दम लिया और मुसलमानों के अचानक आ जाने का हाल कुछ इस अंदाज में बयान किया कि कुफार के दिलों पर मुसलमानों की हैवत छा गई। मुसलमानों का काफिला बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि वे उस पहाड़ी तक पहुँच गए जिसके दूसरी तरफ मक्का का पड़ोसी मैदान था और कमसीन लड़कियों को जिंदा दफन करने के काम आता था। काफिला बराबर चलता रहा यहाँ तक कि वह हुदैबिया पर पहुँच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को यहाँ उतरने का हुक्म दिया। काफिला रुका, ऊँट बिठा दिए गए, सामान उतारा गया और खेमे लगा दिए गए।
आपके ठहरने के दूसरे दिन कुरैश मक्का की तरफ से हुज़ैल बिन वरका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मुसलमानों के हादी, आप मक्का में किस इरादे से आए हैं? क्या तुमने ऊँटों की कतारें नहीं देखी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं समझा कि ये कुर्बानी के ऊँट है? याद रखो, हम लड़ने नहीं आए हैं। हाँ, अगर हमको हज से रोका गया तो फिर लड़ाई ज़रूर हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कुरैश मक्का पर होगी। हुज़ैल यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने मक्के में जाकर ऐलान कर दिया कि घबराने की बात नहीं, मुसलमान लड़ने नहीं बल्कि हज की नियत से आए हैं। हुज़ैल के कहने से कुरैश मक्का को थोड़ा इत्मीनान हुआ, लेकिन जो खौफ और अंदेशा था वह अपनी जगह पर बाकी रहा। फिर उन्होंने हुलैस बिन अलम को कासिद बनाकर भेजा। जब वह मक्के से बाहर आया और उसने कुर्बानी के ऊँटों की लंबी कतारें देखी तो रास्ते ही से वापस लौट आया और कहने लगा, तुम लोग बेमतलब डर रहे हो, मुसलमान लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं, सिर्फ हज की नियत से आए हैं। वो सूफियान बिगड़ गया, बोला, तुम जंगली आदमी हो, इन बातों को नहीं जानते। अगर मुसलमान हज के इरादे से भी आए हैं तब भी हम इन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। हुलैस ने यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने गजबनाक होकर कहा, अगर तुम मुसलमानों को रोकोगे तो मैं अपने कबीले के तमाम आदमियों को लेकर तुमसे लड़ूंगा। हुलैस वहाबिस कबीले का सरदार था। अबू सूफियान खूब जानता था कि हुलैस जो कुछ कहता है वह कर गुजरता है, इसलिए उसने चापलूसी के लहजे में कहा, हुलैस तुम भी मजाक में बिगड़ गए। तुम खुद सोचो कि मुसलमानों के आने से हमारे माबूदों की तौहीन है, हमारे माबूदों को जिल्लत का मुंह देखना है, हमें लोग बुज़दिल और डरपोक कहेंगे तो क्या यह अच्छी बात है? मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि किसी की तौहीन हो, पर अपनी तौहीन भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुलैस ने कहा, अगर तुम मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देना चाहते तो न होने दो, लेकिन किसी को बुज़दिल और जंगली कहकर उसकी तौहीन तो न करो। वाकई मुझसे गलती हुई, अबू सूफियान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है, हुलैस ने कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आने की गरज बताने के लिए हजरत खरास बिन उबैदा खुजाई को सलवा नामी ऊँट देकर कुरैश मक्का के पास रवाना किया। खरास सीधे अबू सूफियान के पास पहुँचे। उस वक्त अबू सूफियान अपने मकान के सामने बैठा था। उसके पास निकम्मा खालिद, अम्र बिन आस और कुछ दूसरे सरदार भी बैठे थे। हजरत खरास ऊँट से उतर कर उनके पास पहुँचे और ऊँची आवाज़ में बोले, ए अहले कुरैश, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ और आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि हम मुसलमान लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ काबा की ज़ियारत करने और कुर्बानी अदा करने आए हैं। हज के दिनों में यह किसी आदमी को भी हक हासिल नहीं कि वह लोगों को हज की रस्में अदा करने से रोके। अरबों का यह पुराना कानून है और अभी तक इस पर अमल दरामद होता चला आ रहा है, इसलिए आप हमारे लिए रोकने बनेंगे और हमको हज कर लेने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे समझौता वाक्य के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।